पटना आम लोगों के लिए कितना सुरक्षित है, इसका अंदाजा समय समय पर अपराधियों की हरकतों से लगता रहता है। पटना पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधी रिहायशी इलाकों में भी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल अपराधियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके मेनपुरा में एक महिला का मोबाइल फोन और सोने की चैन हथियार के बल पर लूट लिया। जाते जाते अपराधियों ने फायरिंग भी की। मेनपुरा में जा रहे थे किसी रिलेटिव के पास, तो इतना ही में हमको पीछे दौड़ने का किसी का आवाज सुनाई दिया। पीछे मुड़ करके देखे, हम सोचे कोई होगा साइड से निकल जाएगा। तब तक क्या किया कि मेरे हाथ से वो यहाँ पे गाल के पास ऐसे पकड़ा और फिर यहाँ ऐसे पकड़ करके और फिर मैं एक फायरिंग किया और मेरे हाथ से मोबाइल आईफोन था मेरे हाथ में वो छीन करके लेकर के जैसे रोड की तरफ से आया था उधर ही भागा। अभी तो कुछ नहीं FIR अभी है। हाँ, बस जो हुआ हम लिख करके बस देखिए। निशा सिन्हा जी हैं जो कुर्जी बालूपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिए है। इसमें उन्होंने बताया है कि वो किसी काम से मैनपुरा में जा रही थी, उसी क्रम में पीछे से एक लड़के ने आया और उनके हाथ से मोबाइल छीना और शायद विरोध करने पे जैसा उन्होंने बताया कि उसने फायरिंग किया। कार्रवाई अभी हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं।